एसपी सर ने मेरे को बुलाया था, पर चला गलत बंदा गया हूँ। उसकी मम्मी पापा से मिला था मैं ना बेसमेंट में, कावासाकी कावासाकी फैमिली तभी चलती रहेगी। उसका यूट्यूब बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, तो भाई फैमिली बंद, मतलब सब धंधा पानी सब बंद हो गया। राइडर ने करा एक्सपोज UK07 राइडर को, भाई इसके क्या सच्चाई है, क्या स्टोरी है। देखो गाइस, मैं अभी जा रहा था, आपको बता देता हूँ कि हम जा रहे थे एक ना व्लॉग शूट करने, एक उत्तराखंड की हिडन प्लेस थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, अपने चैनल पर चेकआउट कर लेना। मैं जा रहा था अपने नेकेड स्पोर्ट राइडर भाई के साथ। उसके बाद हमको पता चला कि आज बाकंडी ब्लॉक भाई का मीटअप भी है, तो हम मीटअप में भी चले गए थे। मीटअप में हमको मिले थे कौन, प्रो राइडर यानी अगस्त्य भाई। तो अगस्त्य भाई फिर अपनी तरफ से स्टोरी बता रहे थे कि भाई उनकी और UK07 की क्यों कंट्रोवर्सी हुई, क्या कंट्रोवर्सी हुई। तो आप पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद भाई मिस्टर प्रो राइडर सर कैसे हैं? अरे बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? बस हम भी आपसे मिलने आए। अरे हम, मैं आपसे मिलने आया हूं। मेरे पास तो एसपी सर ने मेरे को बुलाया था, पर चला गलत बंदा गया हूं। कोई हम बच्चे बताएंगे आप भाई के 1200 बच्चा आ सो भाई। बल्कि मैं जा रहा था एसपी सर पे अपनी चैनल लेके, और उसने स्टॉक ले लिया। कोई नहीं, जो भी करा गलत करा, सही बात। उसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ, उसमें आप सब लोग का, हां सभी लोगों का नुकसान है। जो लोग नॉर्मल राइड प्रॉब्लम तो सभी फेस करते हैं ना, प्रॉब्लम तो सभी फेस करते हैं। वो तो देखो कोई भी जा रहा है ना राइड करते हुए, तो पुलिस रोक लेती है उसको साइड में। प्रॉब्लम तो सारे फेस करेंगे, वो प्रॉब्लम तो सभी फेस करेंगे। ओप्रो दिखना चाहिए, बात बात होना, घटना ही रोकना है। ओप्रो नहीं है ज्यादा बुलेट वालों के कारण। देखो ये जिसका शौक है बुलेट, उसने साइलेंसर अच्छा लगा रहा है, बट रोका उसे भी रहेगा। स्टॉक साइलेंसर लगा दो, डॉल्फिन लगाते उसके बाद अच्छे होते हैं। वो पति मतलब से लगा देते ना, वो दिक्कत करता है। उसकी मम्मी पापा से मिला था मैं ना बेसमेंट में, कावासाकी पहले ना मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैंने भी बताया नहीं ना ब्लॉग में अपने, तो हुआ क्या था, मैं गया बेसमेंट में मम्मी पापा से मिलने ना। वो मैंने उससे बात करने, मम्मी बताऊँ की मम्मी पापा अच्छा हो गए बात करने में। गया मैंने, अंकल जी ऐसा अच्छा है भाई, उसकी मम्मी ना मतलब मुझे स्टार्टिंग में ना 5 ही सेकंड अच्छी लगी, वरना 5 ही सेकंड के बाद ना पता नहीं मतलब ब्लॉग में ना जानते बहुत प्यार है ना रियलिटी में, मतलब कि ना मैं शॉक हो गया। तो देख लेंगे क्या कर लेंगे, तो ऐसी वर्डिंग बोली आंटी ना मेरे को। पर ये चीज़ ना मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, पर अंकल के गोप्रो में रिकॉर्ड हो रही थी बात, तभी तो उसने बात बोली। और जैसा सीन हुआ, फिर मैंने कहा आंटी जी नमस्ते, मैंने कहा आंटी जी मैटर बड़ा हो जाएगा, तो देख लेंगे देख लेंगे। उसके भाई का भी, उसका भाई लाइव में आके धमकियां ये देता है कि जहाँ दिखेगा सड़क को वहीं मार देंगे। वो चेन सॉ किस किसने देखी मेरी लॉग में? सबने देखी। सबने आज लेके आए हो? लेके आए आज? देखो हम क्या करते हैं, हम राइडर को सपोर्ट करते हैं। मैं जाता ना उस दिन एचपी सर के ऑफिस में, मैं उनको ना एक गॉड का अलग तरीके से बताता, वो तुम सबके लिए फायदेमंद रहता। और उसने जो करता दिखा के ना, वो हम सबको बहुत कुछ बोल दिया। देखो कुछ नहीं है, 2000 घंटे का छूट जाएगी, पर वो देना ही क्यों है भाई। अब एग्जॉस्ट हम थोड़ा लगा रहे हैं, इंडोनेशिया के पुलिस ना H2 के लिए इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मतलब इसलिए मेरी दादी की डेथ हुई ना, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था उसको ना, तो थोड़ा मैं जोन से बाहर हो गया था। और इस चीज़ का उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा दिया, पर मैं जिस वजह से चक्कर में अटकन रहता, मेरी दादी ने बोला आग निकलने का रास्ता ढूंढो, ये सब छोटे मोटे इसके चक्कर में अपने मैं मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देखो यार, यूट्यूब से पहले ही मेरा घर चल रहा था, और यूट्यूब एक तरह की फैमिली होगी मेरे लिए। मैं ब्लॉग बनाता हूँ क्योंकि आप सब लोग को अच्छे लगते हैं। देखो मेरा यूट्यूब बंद हो गया, और मेरी फैमिली तभी चलती रहेगी। उसका यूट्यूब बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, तो भाई फैमिली बंद, मतलब सब धंधा पानी सब बंद हो गया। तो बस ये है कि वो सोचता है कि यार यूट्यूब से चल रही, यूट्यूब एक फैमिली की तरह है कि पैसे कमाने का जरिया समझता है वो, मेरे लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं है। मेरे जो यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, मेरी बाइक में ले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उस चीज़ तो मैं ब्लॉग में दिखाता भी नहीं अपने। देखो यार तुम सब लोग को पता है कि उसने गलत करा है, और पता क्या है कि ऑडियंस ना एक बस की तरह होती है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं जिधर घुमाऊंगा ना सब लोग उधर ही घूम जाओगे। तो देखो एक 100 बार झूठ बोलो, एक बार पकड़े जाओगे। और उसके बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं है, और बाइक को ड्राइव करना लीगल नहीं है, अगर आप उसे 30% लीगल ड्राइव है पूरा कलर, पूरा वो कलर होना चाहिए। हाँ, और जैसे मैं भी रैप करवा रहा हूँ, पर मैं ऐसा रैप करवाऊँगा कि मेरी बाइक का थोड़ा कलर दिखे। कल को ठोक दिया मैंने किसी को, तो मेरे बाइक का तो रैप पहचान ही नहीं पाएंगे, तो रैप और घूम जाएंगे पता चलेगा। तुमने देखा होगा पुलिस वाले सर थे ना, हमेशा अच्छे वे से बात करो, पुलिस वाले हमारी सिक्योरिटी के हैं, उनसे अच्छे वे से बात करो। जब वो रोकते रुक जाओ भागोगे ना, तो वो और बंदों को भी उसी नज़र से देखेंगे। मैं तो पुलिस से भागता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। एग्जॉस्ट
इनबिल्ड है एक ना बाकी सबको पता है बिहाइंड द सीन सबको पता है क्या इनबिल्ड है क्या इनबिल्ड नहीं है कुछ भी क्या बोल सकता हूँ यार जब तक मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता। अगस्त्य भाई ने तो अपनी प्रो राइडर भाई ने तो अपनी स्टोरी बता दी अपनी साइड की, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं चाहूंगा यूके रिटर्न भाई की क्या स्टोरी, मतलब यूके 07 राइडर भाई की क्या स्टोरी है उनका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपना कोई भी ओपिनियन रख सकता हूं। इसमें मेरा भी कोई ओपिनियन नहीं है, बट मैं आपसे ये वीडियो शेयर करना चाहता था कि भाई अगस्त्य भाई क्या बोलना चाहते हैं। तो आप वीडियो को देखो, एंजॉय करो, और भाई आप बताओ मुझे कमेंट करके आपका क्या ओपिनियन है इस कॉन्ट्रोवर्सी में, कौन सही है कौन गलत है आप कमेंट करके बताओ। और स्टोरी अभी हमने एक साइड की जानी है, जब हम दूसरी साइड यानी कि योगी 07 भाई की स्टोरी जान पाएंगे, अनुराग भाई की स्टोरी जान पाएंगे उनकी साइड की क्या स्टोरी है, तब जाके हम किसी के ऊपर मतलब इसमें एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बट आप लोग अपना ओपिनियन दो कि भाई अगस्त्य भाई सही बोल रहे हैं, प्रो राइडर भाई सही है गलत है, आप कमेंट करके बताना मुझे। तो और देखो भाई क्या बोल रहे हैं, पूरा वीडियो को सुनो पूरा देखो। हेलो,